बीच में शनिवार रविवार। हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का मार्क थ्योरेटिकल पार्ट बता देता है, ताकि जब नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन मिले अगला सैटरडे, तो हम आपको पूरा प्रैक्टिकल पार्ट भी करवा देगा उसको। एक ही क्लास का प्रैक्टिकल लगेगा, फिर खाली सम प्रैक्टिस है। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अपने तो जानते हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें गलतियां होने का भी स्कोप है। आप एक अकाउंट का, एक लेजर का एक साइड में लिख के दूसरे लेजर में लिखना भूल गए। ये भी हो सकता है कि दोनों ही लेजर में लिखना भूल गए। ये हो सकता है रॉन्ग लेजर में लिख दिए, मतलब लिखना था राम के अकाउंट में, लिख दिए श्याम के अकाउंट में। तो कई टाइप का एरर हो सकता है, ठीक है। क्लैरिकल एरर भी हो सकता है, रूल वाला एरर भी हो सकता है। क्लैरिकल एरर मतलब अमाउंट पुटिंग, ये सब रॉन्ग अकाउंट में पुटिंग, रॉन्ग साइड में पुटिंग। और प्रिंसिपल एरर मतलब रूल में मिस्टेक कर दिया, आपको लगा था ये एसेट है जबकि वो इनकम था, ठीक है। तो इसी तरह से पहले बोला एरर कितने टाइप का, तो बोला एरर जनरली चार टाइप का। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेन तो ये तीन है। एक है कंपनसेटिंग एरर, चार टाइप की एरर है। क्या होते हैं ये चारों? देखो बेटा, एरर ऑफ ओमिशन मतलब कुछ छूट गया, ओमिट हो गया, पूरा ही छूट गया या पार्शियली छूट गया। पूरा छूट गया मतलब एंट्री पोस्टिंग ही नहीं हुआ, और पार्ट छूट गया मतलब एक लेजर में लिखे राम टू कैश एंट्री था, राम के अकाउंट में तो टू कैश लिखे लेकिन कैश के अकाउंट में भाई राम लिखना भूल गए। ये भी हुआ एरर ऑफ ओमिशन, छूट गया कुछ लिखना, ठीक है। फिर होता है एरर ऐसे ऑफ कमीशन, माने अमाउंट का एरर, अमाउंट गलत लिख दिए। 2,000 लिखना था 200 लिख दिए, 2320 लिखना था 2230 लिख दिए, 3,000 लिखना था 30,000 लिख दिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रूल में मिस्टेक, आप रूल को रॉन्ग एप्लीकेबल कर दिए। वो रेवेन्यू आइटम था, आप उसको कैपिटल आइटम मान लिए। एसेट रिकॉर्ड करना था, आप उसको परचेज में रिकॉर्ड कर लिए। ये वो रूल का एरर। वेजेस अगर मशीन लाते वक्त तो वेजेस दें, वो मशीन अकाउंट में ऐड होना चाहिए, हाँ लेकिन आपका अकाउंटेंट उसको लगा रहा वेजेस है, वेजेस में डाल दी। ये सब एरर, ये हो गया रूल में मिस्टेक। और कंपनसेटिंग एरर मतलब दो गलती हुआ और एक गलती दूसरे गलती को कैंसिल कर दिया। जैसे हमको वेजेस में लिखना था 5,000, हम लिख दिया गलती से 500, और वही हमको सैलरी में लिखना था 8,000, 800 नहीं सॉरी 5,000, 500 लिखना था, वहां 5,000 लिख दिया। तो वेजेस में लिखना था 5,000, लिख दिया 500, सैलरी में लिखना था 500, लिख दिया 5,000। इससे हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, मेरा मेरा फाइनल अकाउंट भी ठीक ही बन जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट सही आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। लेकिन एरर तो हुआ, एक गलती दूसरे गलती को कैंसिल आउट कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया और ना आपके फाइनल अकाउंट में कोई वैसे इंपैक्ट आया। ठीक है, जीपी रॉन्ग आया, आपका बात करेक्ट होगा, से जीपी तो रॉन्ग आया, नेट प्रॉफिट राइट हुआ, जीपी तो रॉन्ग आया, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट मैच कर गया, प्रॉफिट मैच आ गया, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते। तो ये हुआ आपके चार टाइप के एरर, ठीक है। अब आता है कि एरर का इफेक्ट दो हो सकता है, वन साइडेड इफेक्ट या टू साइडेड इफेक्ट। माने नाम में ही आंसर है बेटा, या मोर देन टू साइडेड भी बोल लो, एक ही बात है, टू और मोर देन टू एक ही बात हुई, इसलिए हम लोग दो ही बोलते हैं, वन साइडेड टू साइडेड। सो वन साइडेड एरर मतलब एक लेजर में गलती, एक लेजर में गलती। राम के अकाउंट में डेबिट में लिखना था, राम के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिए, एक ही ना लेजर गलत हुआ। राम के अकाउंट में डेबिट में 200 लिखना था, डेबिट में गलती से 2,000 लिख दिए। तो एक ही अकाउंट के साइड में गलती कर दी, अमाउंट में गलती कर दी, मतलब एक लेजर गलत हुआ। और टू साइडेड एरर मतलब
एक ऐसा गलती जो दो लेजर को इंपैक्ट कर रहा है, जैसे राम में लिखना था रामा में लिख दिए, तो दो लेजर गलत हो गया ना, क्योंकि राम में लिखना था लिखे नहीं, और रामा में लिखना नहीं था वहां लिख दिए गलती से, तो दो लेजर रॉन्ग हो गया। दैट इज टू साइडेड और मोर देन टू साइडेड, ठीक है। तो अपने अब तक क्या क्या पढ़े? हाँ सर, अगर कोई पूछे एरर के टाइप्स कितने, बोलना चार, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। फिर कोई बोले इसके इफेक्ट कितना साइड में हो सकता है, बोलना दो, वन लेजर मिस्टेक या टू और मोर देन टू लेजर मिस्टेक। तो वन लेजर मिस्टेक मतलब एक अकाउंट में या तो रॉन्ग साइड में लिख दिए, या एक अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, जो हो गया वन साइडेड एरर, रॉन्ग साइड लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। और टू साइडेड एरर मतलब दो अकाउंट में गलती से एरर हो गया, एंट्री करना ही भूल गए, ये भी तो डबल एरर है, ये भी तो डबल साइडेड हुआ ना, एंट्री करना ही भूल गए पूरा, क्योंकि सर राम के अकाउंट में लिखना था और कैश के अकाउंट में लिखना था, दोनों ही जगह नहीं लिखे, तो ये डबल एरर हो गया, दो लेजर में गड़बड़ हो रहा है, राम एंड कैश। वैसे राम अकाउंट में लिखती है, कैश अकाउंट में लिखना भूल गई, वन साइडेड एरर हो गया, क्योंकि एक लेजर में गलती हो रहा है, दोनों लेजर में अमाउंट रॉन्ग लिखती है, डबल साइडेड एरर। एक लेजर में सही साइड भी लिखी है, सही अमाउंट भी लिखी है, दूसरे अकाउंट में रॉन्ग साइड या रॉन्ग अमाउंट लिख दी है, सिंगल साइडेड एरर, ठीक है। किसी एक के अकाउंट में लिख रहा था, किसी और के अकाउंट में लिख दिए। अब बात एक क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली कि इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस, ये जो एरर्स आप पढ़े अभी उससे ट्रायल बैलेंस कब कब मैच हो जाएगा और कब कब मैच नहीं होगा, मतलब कब कब एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा और कब कब एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। देखो पार्शली लिखना भूल गए, ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। राम के अकाउंट में टिक लिख के कैश के अकाउंट में लिखना भूल गए, मैच तो नहीं करेगा सर। वैसे सर एक अकाउंट में अमाउंट रॉन्ग लिख दिए, यह अमाउंट ऐसा गड़बड़ हुआ कि वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया, तो भी मैच नहीं करेगा। बैलेंसिंग में गलती कर दी एक लेजर को, बैलेंस सीडी बीडी का टोटलिंग में गलती कर दी है, ये भी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा। रॉन्ग साइड में लिख दिए एक अकाउंट के, दूसरा अकाउंट में ठीक लिख के, ये भी ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देगा। और जहां ये कंप्लीट ओमिशन है वहां ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। कॉम्पनसेटिंग एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, रूल में गलती किए ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये सब ट्रायल बैलेंस को मैच करेगा। अब आता है कैसे रेक्टिफाई करेंगे सर, से गलतियां समझ में आ गई। अब अपने को पढ़ना क्या है अपने वो देखना जरा, अब प्रैक्टिकली अपने को क्या पढ़ना है सर। पहले आप ये देखिए आपका एरर कब पकड़ा गया, आई रिपीट, आपका एरर कब पकड़ा गया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर टीबी, आफ्टर टीबी बट बिफोर फाइनल अकाउंट एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट, ठीक है। आपका गलती कब पकड़ा गया ये पहले ढूंढिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आप गलती पकड़ लिए, मतलब लेजर बन गया था, टीबी बना रहे थे, उसी समय गलती पकड़ में आ गई, या फिर ट्रायल बैलेंस बन के कंप्लीट हो चुका था, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त गलती पकड़ में आया बिफोर फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में बन चुका उसके बाद गलती पकड़ में आया। तीन स्टेज जहां गलती पकड़ में आया, रेक्टिफाई करने का तरीका वैसे ही बदलेगा। अब तीनों में दो दो है, सिंगल एरर डबल एरर, इसमें भी सिंगल एरर डबल एरर, इसमें भी सिंगल एरर डबल एरर। तो अपने को क्या करना है एग्जाम में, पहला जजमेंट सर सिंगल है कि डबल है, गलती एक लेजर में हुआ है कि एक से ज्यादा लेजर में। दूसरा काम क्या करना है, कब पकड़ा गया,
ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ढूंढ के निकाल लेना, और फिर गलतियों को ठीक करने का तरीका उसी हिसाब से फॉलो करना है। बात समझ में आया? सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा कर देंगे, हाँ मेरा थोड़ा नेट का दिक्कत आ गया था। तो बीच में बोलना चाहिए ना बेटा कि सर एक बार रुक जाइए। अच्छा सुनो, अभी अभी आया। हाँ अच्छा सुनो, ठीक है। पहला बात अपने को यह जज करना है कि एरर सिंगल है कि डबल है, पहला काम। ठीक है? ठीक हाँ है, सर, हाँ सर। हाँ, पहला काम एरर सिंगल है कि डबल है। अब अपने आप को लॉक मत करो, एक बार वॉइस लॉक मत करो, म्यूट मत करो। ओके सर, ओके सर। तो पहले अपने को यह जज करना है कि गलती एक लेजर में हुआ है कि एक से ज्यादा लेजर में हुआ। जब वो मिल जाए तब ढूंढना है सब में कि यह गलती कब पकड़ा गया। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, कब यह गलती पकड़ा गया। तो ये दो काम पहला करना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, एरर एक अकाउंट में कि एक से ज्यादा, और गलती कब पकड़ा गया। अब ठीक है? हाँ सर। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल एरर है अपनी, अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना अगले 5 मिनट, क्योंकि अभी हम आपको प्रोसेस समझाने जा रहे हैं और कंटेंट बताना खत्म हो जाएगा इसी के साथ, फिर केवल सम प्रैक्टिस है, मतलब अगला 5 मिनट और चैप्टर खत्म वैसे देखा जाए। बेटा अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले जो गलती पकड़ा गया वो सिंगल साइडेड एरर है तो नो जर्नल रिक्वायर्ड, मतलब उस गलती को सुधारने के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। कब नहीं होगा? बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल एरर, सिंगल, उसमें जर्नल एंट्री नहीं लिखना है रेक्टिफिकेशन का। लिखना क्या है? एक स्टेटमेंट। आई रिपीट, लिखना क्या है? एक स्टेटमेंट कि जैसे राम अकाउंट में लिखना कम पड़ गया, मान लो ऐसे एग्जांपल देते हैं, अ गुड सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम, नॉट रिटर्न, नॉट रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। एक अकाउंट में गलती है कि दो? दो। बेटा कैसे दो? सेल्स, ओ राम अकाउंट स्पेसिफिक, हाँ तो बस राम अकाउंट में वो है। हाँ सिंगल, तो सेल में मिस्टेक नहीं है मतलब। एक बात ना अपनी मेरा जिंदगी भर के लिए याद कर लेना, गलती एज्यूम मत कर, जितना क्वेश्चन एरर बता रहा मानना वही गलती है। अगर बाकी चीज में क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेना वो ठीक ही हुआ हो। आई रिपीट, क्वेश्चन में कभी भी एक्स्ट्रा एजम्पशन मत लेना, ये भी तो गलती हो गया होगा, हो गया होगा, तुम्हारा काम नहीं है सोचना। क्वेश्चन बताया है क्या? हाँ तो वो गलती है, ना तो वो गलती नहीं हुआ है, ये एज्यूम करना। क्योंकि बेटा अगर तुम गलती एज्यूम करना चालू किए ना, फिर तो हम 500 गलती एज्यूम कर सकते, ठीक है ना? तो वो तो अपने फिर, वो तो फिर तुम कुछ एज्यूम करोगे, हम कुछ और बाकी स्टूडेंट कुछ, ऐसे तो फिर तो कभी जिंदगी में रेक्टिफिकेशन नहीं। इसीलिए रूल एक सिंपल, जो गलती बताया बस वही गलती, बाकी और कुछ गलत नहीं। ठीक है? हाँ सर। तो बेटा राम को माल बेचे, हमको दो लेजर खोलना चाहिए था, एक तो राम अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। राम में हमको क्या लिखना था? राम टू सेल एंट्री होना है, तो राम में हमको लिखना है टू सेल्स, और सेल्स में लिखना है भाई राम। सेल में तो भाई राम सही लिखा गया, बट यहां टू सेल लिखना भूल गए, यही है मिस्टेक। ये गलती कब पकड़े? अब इस पे सारा, अब इस पे सारा गेम होगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस पकड़ लिया, ट्रायल बैलेंस बंद होने के पहले पहले गलती पकड़ लिया, ठीक है? मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस का काम खत्म होने के पहले हम एरर पकड़ लिए। तो बेटा जी आपको कोई जर्नल करने का दरकार नहीं है, आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के आ जाओगे, राम अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट, नाउ टू बी रेक्टिफ, नाउ टू बी डेबिटेड। राम अकाउंट में
डेबिट में कम लिख के हैं आप डेबिट में लिख दो, क्योंकि अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, मतलब लेजर का बिलिंग सीडी नहीं हुआ है। लेजर का बिलिंग सीडी नहीं हुआ है तो बेटा जी, जब लेजर का बिलिंग सीडी नहीं हुआ है तो फिर काहे का जनरल पास करके इतना माथापच्ची करना, उस लेजर में लिख दो, है ना। हाँ वही ठीक है, जब बंदी नहीं हुआ है सर, आपको अभी गलती पकड़ में आ गया, तो आप लेजर में लिख के काम खत्म करो ना, फिर बीडी सीडी करके लिख ट्रायल बैलेंस बना लेना। सर यहाँ ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, इसका मतलब बहुत जन क्या सोचता है, अच्छा लेजर खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा, ऐसे नहीं होता है। जैसे जैसे लेजर क्लोज होते है ना, साथ साथ टीबी बनता जाता है। तो यानी जब हम ये बोलता है ना कि ट्रायल बैलेंस बना नहीं है अभी, बिफोर टीबी है, दैट मीन्स अभी लेजर भी क्लोज नहीं हुए, तो नहीं हुए तो लिख दीजिए सर वहां जाए, मिला खत्म कीजिए। तो यही सिंपल सॉल्यूशन है, इसीलिए एग्जाम में ये देता नहीं है बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल एरर, देखिए करेगा क्या, है ना। इसीलिए बहुत रेयर आता है आपके, शायद शायद आईएससी बोर्ड में सिलेबस में भी नहीं, शायद आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है एक बार रहने दो, कुछ चेक मत करो, आपको जानना बेटा जरूरी है कि क्या करते हैं। अरे सिलेबस में ये लोग फालतू फालतू बात, देखो एक लाइन का बात है, कंटेंट बताने में क्या जाता है, इसको उड़ा के क्या तीर मारेगा, फ्यूचर में दिक्कत होता है स्टूडेंट जब सीनियर लेवल पे जाते हैं, उसको ये बात ही नहीं पता होता कि अच्छा यहां पर भी तो कुछ होता, तो जान लो बुक में रहेगा तो कर लेंगे प्रैक्टिस, बुक में नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है सर, हाँ सर। तो सर बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर, कोई जनरल एंट्री पास करके रेक्टिफिकेशन नहीं होता, सीधा सीधी स्टेटमेंट लिख देते, बात खत्म। सर यही गलती अगर आफ्टर टीबी या आफ्टर फाइनल अकाउंट पकड़ते, एक बार हम आपको आफ्टर फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है, आफ्टर टीबी तक सब कुछ करेंगे, ठीक है। आफ्टर फाइनल अकाउंट में एक सिंगल चेंज होता है खाली, तो वो पहले आपका हाथ स्ट्रांग कर ले, हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर, फिर वो छोटा सा चेंज तब बताएंगे तो आपको लगेगा है तो बच्चा वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मानते हैं यही गलती आफ्टर टीबी पकड़ में आता, मतलब सर ट्रायल बैलेंस बन गया, अब हमको गलती दिखा कि अरे राम अकाउंट में तो 1-2 हजार रुपए का सेल था, उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, ठीक है। तो सर अब जनरल एंट्री से रेक्टिफाई हो, क्या जनरल पास करेंगे, जब भी सिंगल एरर आफ्टर टीबी होगा, वी विल ऑलवेज 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 यूज सस्पेंस अकाउंट। तो अभी थ्योरेटिकली बातों को याद करो, बिफोर टीबी सिंगल साइडेड एरर, सर आपको केवल एक स्टेटमेंट लिख के आना है, नो जनरल रिक्वायर्ड। आफ्टर टीबी सर जनरल पास करना है विद हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड। ये बात, यही लाइन याद करना आपका 99.99% सम खत्म। सर करते हैं बेटा, राम को माल बेचे, राम अकाउंट क्या होना चाहिए था, बेचे तो डेबिट, राम डेबिट होना चाहिए था, है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो राम डेबिट नहीं हुआ। तो अगर हम अपनी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछें, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ऐसे एक सीधा साधा क्वेश्चन पूछते हैं जनरल लाइफ का, बेटा अगर हम आपको बोले अभी हम खाना नहीं खाए, आपका सजेशन क्या होगा, मेरे खाना खा लीजिए, वेरी गुड। अगर हम बोले बेटा हम कम खाए, और खा लीजिए, वेरी गुड, यही सॉल्यूशन है। अच्छा हम ज्यादा खा लिए, कैसे कर सकते हैं सर, अब एक थोड़ा मजाक का आंसर कर रहे हैं, आप ज्यादा खा लिए तो वोमिटिंग कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए उल्टी ये तो कॉमेडी था, लेकिन यही आंसर में यही करना है आपको। देखो राम अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, कोई बात नहीं सर, अब कर लीजिए तो एंट्री तो हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट। बेटा दूसरा आपके अकाउंट में तो गलती हुआ ही नहीं है ना, आप दूसरा अकाउंट का नाम लिख दोगे कोई भी तो वहां पोस्टिंग चला जाएगा, इसीलिए टू सस्पेंस। एक ही अकाउंट खोल ले रहे, सारा गलती को उसमें डाल के लास्ट में उस अकाउंट से डील कर लेंगे। 10 अकाउंट, अभी बोला राम टू, आप बोलोगे सर कैश निकलो राम टू कैश, तो कैश में भी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या बोला है क्या
सॉरी राम टू सेल्स है, तब टू सेल्स लिख लो। अब आप बोलोगे सेल्स लिख लो, अरे बेटा सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हुआ है क्या जो दोबारा उसको क्रेडिट कर रहे हो? क्वेश्चन कहीं भी बोला है क्या सेल में मिस्टेक हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, सेल्स अकाउंट में साफ साफ लिख दिया है बाय राम अकाउंट लेजर है ना, हाँ इसलिए वेरी दोबारा गुड नहीं लिख रहे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 10/10 परफेक्ट। लोग क्या गलती करते हैं बताया, लोग बोलते हैं जनरल एंट्री रॉन्ग हो गया। अरे बेटा जनरल एंट्री रॉन्ग नहीं हो गया, लेजर में पोस्टिंग गलत हो गया, वहां मिस्टेक है। तो सर राम अकाउंट में ही गलती हुआ है, सेल्स अकाउंट में गलती नहीं हुआ है, तो उसको क्यों सुधारने जाएंगे? जो चीज गलत ही नहीं हुआ उसको सुधारोगे क्या? नहीं सर, जो गलत ही नहीं हुआ उसको क्या सुधारेंगे? वो तो सुधरा हुआ ही है, तो फिर इसको छोड़ दीजिए सर। तो सर क्या एंट्री क्या पास हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब अगर हम बोलता 2000 का माल बेचे थे हमने, हम बोल रहे हैं यहां पे गलती से 200 लिख दिए, मतलब लिखे राम में सेल्स हम, लेकिन ये जीरो कम लिख दिए, मतलब 1800 रुपए कम लिख दिए है ना। राम अकाउंट में 2000 लिखना था सर आपको, आप सेल्स में तो ठीक 2000 लिख के भाई राम लिख के, लेकिन राम अकाउंट में आप टू सेल्स लिख के 200 लिख दिए, तो राम अकाउंट में 1800 रुपया कम लिखे। मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन जो था, आप जो हमको सजेशन दिए थे अगर हम कम खाएं, सर आप खाए नहीं है खा लीजिए, मतलब राम अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर लीजिए, सर कम खाए हैं तो और खा लीजिए, माने राम अकाउंट कम डेबिट हुआ तो और डेबिट कर लीजिए, तो 1800 रुपए से राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर लीजिए। ठीक है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि ज्यादा खा लिया अब नियम, तो सर रिवर्स कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए, उल्टा माने राम ज्यादा डेबिट हो गया, 200 लिखना था 2000 लिख दिए, 1800 राम के डेबिट में ज्यादा लिख दिया है ना, हाँ तो उसको उल्टा कीजिए, मतलब राम को क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट तो डेबिट क्या करें सर? सिंगल एरर में खेलने के लिए आपके पास एक ही अकाउंट है। तो मेरा वो जो तीन क्वेश्चन था ना जनरल लाइफ का, कम खाए नहीं खाए तो खा लीजिए, कम खाए तो और खा लीजिए, मतलब और डेबिट या क्रेडिट कर लीजिए, इसीलिए ये चैप्टर बहुत काम का है, क्योंकि पहला कॉमन सेंस आपके अंदर आना पड़ेगा कि अरे होना किधर चाहिए था, राम के किधर लिखना था मेरे को, डेबिट में। यही हम बोलते हैं ना कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका बेसिक कंसेप्ट को फिर पकड़ के लेके आता है। अगर किसी को अपनी यही नहीं समझ में आ रहा राम यहां डेबिट होना था, वो तो हो गया बर्बाद, उसका तो काम ही खत्म, उससे रेक्टिफिकेशन छोड़ो, बेसिक एंट्री गड़बड़, रेक्टिफिकेशन भी गड़बड़। इसीलिए बोलते हैं बेसिक जनरल बहुत काम का हो जाता है। ये चैप्टर का ये फायदा है कि आपका दोबारा बेसिक्स को हर एंट्री में पकड़ पकड़ के पूछा जाए, तो आपका वो भी रिकॉल, वो भी रिकैप। चलो अब इसी को एक और इसी को घुमाते हैं। गुड सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम, राम अकाउंट क्रेडिटेड बाय 500 बाय 2000। अपने हमेशा पहला लाइन पढ़ के करेक्ट एंट्री पहले मन में सोच लो, लाइन का फर्स्ट हाफ आपको ऑलवेज करेक्ट एंट्री देगा। देखो अब तक दो कंसेप्ट बताए, पहला ये बताया कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में गलती हुई, और कभी भी एक्स्ट्रा एज्यूम मत करने जाना। ये एक बेसिक बात बोला जो कभी सब में कहीं बोलता नहीं है, आपको याद आना चाहिए आपको एक्स्ट्रा एजम्पशन नहीं करना। और दूसरा बात अब हम आपको समझा रहे हैं कि हमेशा लाइन का फर्स्ट हाफ आपको करेक्ट एंट्री बताएगा, पहले मन में वो फील आना चाहिए कि करेक्ट क्या है। तो गुड सोल्ड टू राम, सर तुरंत मन में आ जाना चाहिए राम टू सेल्स होगा, मतलब राम अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है मेरा अकाउंटेंट लेकिन क्या कर दिया, वो राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट ठीक ही लिखा 2000 का 2000, लेकिन तो यानी सर जब वो लेजर खींचा वो सेल्स अकाउंट में ठीक लिखा है भाई राम,
अब मन में आ सकता है सर वो डबल डबल अकाउंट कैसे क्रेडिट कर सकते हैं। सर वो गलती तो उसकी कुछ भी, स्टूपिडिटी है। आदमी है ना, गलती तो कुछ भी हो सकती है। ये एज्यूम मत करना बहुत। तुम क्या लिखते हैं, ओ करेक्ट एंट्री होना था राम टू सेल्स, वो राम को क्रेडिट कर दिया मतलब वो सेल को डेबिट कर दिया होगा। अरे भाई मतलब वो डेबिट कर दिया होगा माने कौन बोला तुम? एज्यूम क्यों करने चले, ठीक है ना? ओके सो हाँ ये ब्लंडर होगा, हम इसीलिए वो ब्लंडर्स को भी साथ में बता रहे हैं जो होने का सबसे ज्यादा चांस है। मन में आएगा, अरे वो टू राम और टू सेल ऐसे थोड़ी ना लिखा होगा, ऐसे कोई जनरल पास करता है क्या? टू राम टू सेल्स डेबिट कुछ नहीं बेटा, हम कभी नहीं बोला वो जनरल लिखने में ब्लंडर किया, हम तो बोला वो लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ की, ठीक है ना? अच्छा तो यहां पे क्या हो गया सर, वो सेल्स में भाई राम ठीक लिखा, राम में भी वो क्या किया, इधर 2,000 रुपया लिख दिया। अब बताओ गलती कैसे सुधारो आपके ऊपर। वैसे तो हमारे पास डेफिसिट में है ना, तो हम ज्यादा लोग सोचोगे परेशान होगे, सिंपल सोचोगे अकाउंट्स उतना आसान रहेगा। राम अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट किया है क्या? नहीं, अब करो, ड्रामा अकाउंट डेबिट वर्सेस एक्सपेंस अकाउंट। रुको, ओके हम जल्दी भागने बोला नहीं ना, आराम आराम चलो भागना ही। तो राम अकाउंट डेबिट करना भूल गया सर, जो राम अकाउंट क्रेडिट किया वो गलती भी तो सुधारना होगा, हाँ वही तो, उसको भी कैंसिल करना होगा, उसको भी वो डेबिट पैसा भी करो। डालना होगा। हाँ तो 4,000 से राम डेबिट टू सस्पेंस। समझ में आया? हाँ हाँ 4,000 से राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। जो भूल गए वो करो, जो गलत हो गया उसको उल्टा करो। ये दो लाइन अगर मेरा आप हजम कर पाए आपको खाना टेस्टी लगे। पहला से लिखना भूले हैं वो लिखिए, मतलब खाए नहीं है तो खा लीजिए। ज्यादा लिखती है तो उल्टा कीजिए, रॉन्ग लिखती है तो उल्टा कीजिए। देखो अब हम दो लाइन में पूरा चैप्टर को सम अप कर देते हैं। नहीं लिखे हो तो जिधर लिखना चाहिए उधर लिखो, कब लिखे हो तो भी जिधर लिखना चाहिए उधर लिखो। नॉट रिटेन और लेस रिटेन देन राइट इट, आपका सजेशन ये होना चाहिए, नॉट रिटेन और लेस रिटेन, नॉट रिटेन या फिर लेस रिटर्न देन राइट इट, माने अगर कम डेबिट हुआ है तो डेबिट करो, नहीं डेबिट हुआ है तो भी डेबिट करो, ठीक है ना? हाँ ठीक, ये बात ना इसीलिए पहले मन में आना चाहिए, अच्छा डेबिट होना था ये तो, वो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है, वही तुम्हारे को बचाएगा। अच्छा अगर हम बोलता मोर रिटर्न, रॉन्ग रिटर्न, रॉन्ग साइड रिटर्न या मोर रिटर्न, तो क्या करते हैं? रिवर्स इट, बस उल्टा रिवर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पूरा चैप्टर खत्म। सर आप तो डबल साइडेड पढ़ाए भी नहीं, यहां पढ़ा दिए, अब खाली तरीका समझाने कैसे सोचने, पढ़ाना खत्म। ये दो लाइन जिसको आ गया ना उसका रेक्टिफिकेशन, एज्यूमिंग क्या आपको यह पता है कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, कब क्या डेबिट होना चाहिए और कब क्या क्रेडिट होना चाहिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अपनी को पता है। आप यस कारण सर, अपनी को ये दो लाइन आना चाहिए और रेक्टिफिकेशन चैप्टर हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा, सिंगल डबल बिफोर टीबी आफ्टर टीबी सब, खाली बिफोर टीबी सिंगल साइडेड नहीं, क्योंकि बिफोर टीवी सिंगल साइडेड में सर जनरल होता ही नहीं। स्टेटमेंट हाँ यस तो सर वहां ये ओके। वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं हो, बाकी नॉर्मल एकदम कम लिखे हैं या नहीं लिखे हैं तो डेबिट होता है तो डेबिट करो, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करो। ज्यादा लिखती हैं या रॉन्ग साइड में लिखती हैं तो डेबिट होता है तो क्रेडिट करो, और वो आइटम क्रेडिट होता है तो डेबिट करो, उल्टा करो, रिवर्स करो।
ठीक है। चलो अब आते हैं डबल साइडेड एरर पे। सर डबल साइडेड एरर चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस, सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आई रिपीट, बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल एरर, नो जनरल ओनली स्टेटमेंट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस सिंगल एरर, वी विल सॉल्व इट विथ सस्पेंस अकाउंट। एंड बिफोर और आफ्टर कुछ भी हो, बिफोर टीबीओ या आफ्टर टीबीओ, अगर वो डबल एरर है, हमारा सॉल्व करने का तरीका वर्किंग क्या होगा, वर्किंग वर्किंग होगा रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और फिर रेक्टिफिकेशन। जैसे एग्जांपल देते हैं, गुड्स परचेज्ड ₹50,000 रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट, समझ में आया मेरा बात? हाँ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन गुड्स खरीद के लाया था सर। 50,000 का, वो जो इक्विपमेंट था उसको लगा मशीन या मशीन में डाल दो। तो पहला बात बेटा, करेक्ट एंट्री हमेशा पहले पार्ट में होता है, करेक्ट सोचो। परचेसेस टू कैश बैंक। वेरी गुड। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या डाल दिया उसको, मशीनरी में यानी वो मशीन टू कैश कर दिया हो। ठीक है, अब आते हैं रेक्टिफिकेशन पे। बेटा मेरा वाला तरीका फिर वो 2 लाइन, परचेज अकाउंट को क्या होना चाहिए था, डेबिट हुआ है और क्या, खाना चाहिए था। हुआ है क्या, ना नहीं हुआ है तो कर लो। कैश अकाउंट को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है क्या, हुआ है। तो फिर कुछ मत करो, गलती नहीं है तो सुधारोगे क्या? अच्छा मशीन अकाउंट को क्या कर दिया तुम्हारा अकाउंटेंट, डेबिट करना चाहिए था क्या, कुछ भी नहीं ना। तो उल्टा कर दो, चैप्टर खत्म। ये जिस दिन मन में ये कहानी आने लगेगी ना, हुआ है क्या, नहीं हुआ, क्या कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे लिए अकाउंट उतने सिंप्लीफाइड हो जाए। तुम्हारा बुक में ना तुमको एक और पैटर्न दिखाई देगा, वो बहुत ही गंदा पैटर्न है, वो हमको रट्टू तोता पैटर्न लगता है। पता है क्या है, बताते हैं, देखो मजा आएगा जान। फिर बोलोगे सर क्या टाइम पास करते हैं। अच्छा देखो रॉन्ग, करेक्ट, रिवर्स एंड देन रेक्टिफाइड, तुम्हारा बुक में तुमको ये वर्किंग दिखाई देगा। रॉन्ग में भाई मशीन टू रिवर्स। कैश, करेक्ट में परचेज टू परचेसेस कैश। टू कर अब बोलता है रॉन्ग को पहले रिवर्स कर लो, मतलब कैश टू मशीन कर लो। ठीक है, अब कैश कैश काट दो, रेक्टिफिकेशन हो गया परचेज टू मशीन। मैथ्स का ठीक। हाँ लेकिन हमको ये गंदा लगता है कि ये काट दो और बचा हुआ को लिख दो। उससे होता ये है कि तुम डेबिट क्रेडिट सोचना बंद कर दे। मेरे को इससे एलर्जी है, हम सोचना डेबिट क्रेडिट सोचना अकाउंट में जिस दिन बंद करना चालू किए और कोई और शॉर्टकट कौन ढूंढना चालू सी किए, धीरे धीरे तुम अकाउंट से दूर हो गए, तुमको पता नहीं चलेगा। आज तो तुमको लगेगा ठीक ही तो है यार, क्या है, लेकिन होगा क्या, हमारा ब्रेन उस हैबिट और उस प्रोसेस में ढल जाएगा और हम डेबिट क्रेडिट सोचना को धीरे धीरे पॉज आउट करना चालू कर दें, और हमको ये पॉज होना पसाएगा। वहीं पे फिर गलतियां होने का टाइम चालू होता है, और जब होने लगती है बड़ी बड़ी मिस्टेक, देन वो वापस ब्रेन को उस फॉर्मेट में वापस ढालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए डे वन से ये रिवर्स वाला कहानी हम कराता ही नहीं, हमको ये वाला पसंद है। परचेज अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ है तब करो। मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे अकाउंट ने डेबिट कर दिया तो अब क्रेडिट करो, और कैश अकाउंट को क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही किया तो कुछ मत कर, क्योंकि गलती नहीं है। इसमें क्या हुआ ना, हालांकि देखा जाए तो बोल सकते हो, बहुत जन हमको ही बोलता सर ये भी तो रट्टू तोता तरीका ही है। बेटा मेरे को इसमें रट्टू तोता ही हमको पता है, बट मेरे को इसमें ये नजर आता है कि आप कम से कम 3-4 बार क्या डेबिट होना था और क्या नहीं होना था उसको बार बार वो मन में लाए, जिससे कि जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएगी तो आपका डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट आपका काम करे। ठीक है,
हाँ सर, तो आपका बिफोर टीवी आफ्टर टीवी सिंगल एरर डबल एरर सब खत्म। तो बिफोर टीवी सिंगल एरर नो जर्नल रिक्वायर्ड, ओनली स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। आफ्टर टीवी सिंगल एरर जो कि डेबिट होना है वो डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट करो, कम डेबिट हो गया है तो डेबिट करो, ज्यादा डेबिट हो गया है तो रिवर्स करो, कम क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट करो, नहीं क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट करो, ज्यादा क्रेडिट हो गया है तो डेबिट करो, और जो दूसरा साइड बच जाएगा वहां सस्पेंस लिख दो, है ना? ठीक है। हाँ सर, हाँ, हाँ और सर, सर हाँ सर, बिफोर टीबी डबल हो या आफ्टर टीबी डबल हो, सॉल्व करने का तरीका एक ही है। पहले रॉन्ग ओके करेक्ट सर, एंट्री मन में सोच लो, उसको लिख लो, फिर देखो तुम्हारा अकाउंटेंट क्या ब्लंडर किया है उसको लिख लो, और फिर उसी हिसाब से देखो क्या डेबिट होना था नहीं हुआ, क्या क्रेडिट होना था नहीं हुआ, क्या गलत डेबिट या गलत क्रेडिट हो गया, उसको रिवर्स कर लो। ठीक है। हाँ सर, जैसे देखो एक क्वेश्चन देते हैं, करो आप मेरे साथ। गुड्स सोल्ड टू एक्स वाई अकाउंट क्रेडिटेड ₹7,000। पहला बात तो ये सिंगल है, पहला बात हमेशा मन में आना चाहिए सिंगल है कि डबल, तब चीजों को चालू करना है। अच्छा सर, ये कब पकड़े हैं एरर बेटा, क्या फर्क पड़ता है आफ्टर टीबी या बिफोर टीबी अगर डबल एरर है, ना? डबल तो एक ही हाँ तरीके से सॉल्व होगा, और ये डबल है क्या? हाँ है सर, एक्स को सामान बेचे थे, एक्स के अकाउंट में लिखना था, आप वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो दो अकाउंट में मिस्टेक हो गया ना, यानी आपको करना था एक्स का अकाउंट और सेल का अकाउंट। एक्स के आपने अकाउंट में वाई का आपको भूल टू सेल दिया। लिखना था, आप नहीं लिखे। सेल्स के अकाउंट में कुछ बोला नहीं है गलती हुआ है क्या, आप मानेंगे कुछ गलती नहीं हुआ, उसके क्रेडिट में अमाउंट गए। हाँ, लेकिन वाई का अकाउंट खुल गया और उसके अभी क्रेडिट में लिख दिया, यही तो हुआ है। तो बेटा एक्स का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो अब डेबिट करो, है ना? रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, करेक्ट हाँ एंट्री हाँ होना था एक्स टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री में वो टू वाई कर दिया। देखो अब इतना ही लिखना रॉन्ग में, क्या डेबिट हो गया वो आप लड़ने मत जाना, वो हिसाब से ये कर दिया टू वाई टू सेल्स, तो एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो अब ना डेबिट करो। सेल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है मान ले रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम जब भी करेंगे ये एज्यूम करेंगे कि वहां कोई गड़बड़ नहीं है, और वाई का अकाउंट को तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर दिया, क्रेडिट तो उसको डेबिट करो ठीक करने के लिए, गलती से क्रेडिट है, गलत क्रेडिट है मतलब रिवर्स करो। तो बिल्कुल अब टू में क्या लिखें, सस्पेंस अकाउंट वेरी गुड, मतलब सर सस्पेंस खाली सिंगल एरर में नहीं आएगा, अगर डबल एरर भी नहीं रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है तो फिर मदद तो एक ही अकाउंट है जो मदद करेगा इसमें, है ना? हो गया, एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट आएगा। डेबिट टू सस्पेंस। तो आपका सिंगल एरर डबल एरर बिफोर टीवी आफ्टर टीवी खत्म। अब बताएं आफ्टर फाइनल अकाउंट, एकदम बच्चा वाला बात बोलेंगे, जो तुम आफ्टर टीवी करते हो सिंगल हो या डबल, जो तुम आफ्टर टीवी करते हो सिंगल हो या डबल, सेम काम करना है आफ्टर फाइनल अकाउंट में, लेकिन एक डिफरेंस होगा। पहले मेरा बात को बढ़िया से मन में ले लो अपनी, अगला 3 मिनट 4 मिनट और चैप्टर खत्म है। जो तरीका तुम आफ्टर टीवी करते हो डबल हो या सिंगल, सेम तरीका फॉलो करना आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी, बस एक चेंज आएगा, क्या? देखो लिखते हैं, अगर बेटा मेरा एंट्री लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पहले हम, गुड्स सोल्ड टू आर एक्स रिकॉर्डेड इन वाई, गुड्स सोल्ड टू एक्स रिकॉर्डेड इन वाई, एंट्री होना था एक्स टू सेल्स, तुम्हारा अकाउंटेंट कर दिया वाई टू सेल्स, तो रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्स डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट करो, सेल ठीक ही हुआ है, वाई वाई गलती से डेबिट हो डेबिट गया हो गया तो तो क्रेडिट क्रेडिट कर करो, दो।
इस अकाउंट में कहीं भी कोई ऐसा आइटम आया इस एंट्री में, रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई भी अकाउंट का नाम आया जो ट्रेडिंग या पीएल में आता है? नहीं नहीं। तो बस यही करना है, अगर ऐसा रेक्टिफिकेशन एंट्री बन के आता है जिसमें ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं आ रहा है, तो बिफोर टीपीओ या आफ्टर टीपीओ या आफ्टर फाइनल अकाउंट कोई फर्क ही नहीं है। आई रिपीट, ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री फ्रेम हो रहा है जिसमें ट्रेडिंग पीएल का कोई आइटम नहीं आता, तो फिर आफ्टर टीपीओ या आफ्टर फाइनल अकाउंट 100% डिट्टो सेम। लेकिन अगर अब हम एक एंट्री लेते हैं परचेज ऑफ रुपीज 5000 रिकॉर्डेड इन एक्स अकाउंट, हम कैश में परचेज किया है तो परचेज टू कैश एंट्री होना चाहिए, मेरे अकाउंटेंट उसको एक्स टू कैश कर दिया, क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले अपना नॉर्मल तरीका अप्लाई करो। सर परचेज डेबिट होना तो हुआ नहीं है तो करो, परचेज अकाउंट एक्स डेबिट, डेबिट हो गया। एक्स गलती से डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट करो 2x। अब इस एंट्री में कोई एक आइटम आ रहा है क्या इस रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो ट्रेडिंग या पीएल में आता है? हाँ, उसकी जगह लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2x। मतलब सर आफ्टर टीबी और आफ्टर फाइनल अकाउंट में एक ही अंतर है, अगर वो एंट्री में रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई भी आइटम का नाम आया जो ट्रेडिंग पीएल को बिलोंग करता है, सैलरी, वेजेस, परचेज, रेंट, सेल, इनकम, ये सब आइटम, उसकी जगह वर्ड क्या यूज कर लेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर कोई आइटम का नाम ऐसा आ रहा है जो बैलेंस शीट में आता है, उसका नाम वही रहने दें, यही आफ्टर फाइनल अकाउंट। मतलब सब कुछ सेम, ओके खाली नामकरण बदल देंगे, अगर वो ट्रेडिंग पीएल का आइटम है तो उसकी जगह पीएल एडजस्टमेंट लिख दें बस, ठीक है? हाँ सर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर खत्म। अब केवल सर अपने एक को, बार हाँ बोलो। आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे जहाँ पे आपने वो चार्ट बनाया था, ये रहा, यहाँ पे आफ्टर टीवी बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स सिंगल में सस्पेंस एंट्री है, आई मीन सस्पेंस अकाउंट है, और ये डबल एंट्री में वही है जब हम लोग वो रॉन्ग करते करेक्ट और रखे। रेक्टिफाइड, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफाइड हाँ वाला प्रोसेस, ठीक है? सेम बात आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी, यहां पे सस्पेंस है सिंगल में और डबल में भाई रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफाइड वाला प्रोसेस है, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, बस आफ्टर फाइनल अकाउंट में क्या फर्क पड़ बिल्कुल जाएगा? ट्रेडिंग पीएल का आइटम होगा तो पीएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करें ना। बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, देखो एक एक एग्जांपल करते हैं। ये देखो यहां पे दिया क्वेश्चन, कैश पेड टू राम रुपीज 1000 रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। तो ये पहला तो सिंगल है कि डबल है? सिंगल ही बोले मैं, जरा दिमाग पे जोर डालो। सॉरी, कैश पेड टू राम तो वो श्याम किस पे चला गया, तो ठीक है, तो इस श्याम अकाउंट डेबिट हुआ कैश से। अच्छा हाँ, राम को होना चाहिए था डबल डबल। दो लेजर में ब्लंडर हो रहा है, राम में लिखे नहीं है, श्याम में लिख दिए, तो ये तो पहले जजमेंट आ जाना चाहिए ये डबल एरर है। अब आ जाओ, डबल एरर है तो रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन, क्योंकि डबल एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता कब पकड़े, स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस द मिस्टेक डजंट मैटर। चलो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया सर? वो डेबिट कर दिया श्याम टू कैश कर दिया, मतलब जबकि उसको करना था राम टू राम टू कैश, कैश। सर राम को डेबिट होना चाहिए तो हुआ नहीं है, तो अब डेबिट कीजिए, राम कैश टू को श्याम। क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ है। हम चारों अकाउंट को चेक करता है बेटा, मेरा प्रोसेस है, हम जनरल एंट्री को जीता है, तो यहां पे कैश को क्रेडिट होना तो हुआ है,
हम बोलता है ये बात, हमको दिख रहा है, फिर भी हम एक बार अपने मन में रिपीट लेते हैं, श्याम को डेबिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट हो गया तो टू श्याम, तो राम टू श्याम जर्नल एंट्री हो, ठीक है। ये अगर आफ्टर टीबी भी होता तो भी यही होता, और आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो भी यही होता, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेडिंग पेल के आइटम का नाम नहीं आ रहा। सर चलिए एक बार ये आप बोलो। राइट करेक्ट वो सब वाला वो रफ पे करेंगे या वो रफ में, वो पूरा रफ सब? में, वो रफ में, और फिर जो रेक्टिफाइड एंट्री का आंसर आएगा ना रफ वाला, उसको ले जाके आप सम्स में लिख दोगे, मतलब मेन सॉल्यूशन में। ओके मेन सॉल्यूशन वही जनरल का फॉर्मेट, फॉर्मेट भी वही है जनरल वाला, ठीक है। हाँ चलो ये वाला एंट्री करो फटाक से, आप अपने आप स्क्रीन पे जो है, कैश विथ टू राम नहीं कहाँ? हाँ ये ठीक ही पढ़ रहे, एग्जाम्पल थ्री। ओ कैश पे टू राम 1000 राम ने क्रेडिटेड टू श्याम अकाउंट सही मेरा मेरा होता। तरीका भाई, पहला आप पढ़ के पहले करेक्ट एंट्री बना लो। हाँ सही होता राम टू कैश, वेरी गुड, और जो हुआ है वो है राम टू श्याम। टू हाँ श्याम क्या हाँ अब ने जो बोला है कैश उसी को लिख दो, श्याम अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब टू श्याम हुआ, क्या डेबिट हुआ वो तुम्हारा एज्यूम करना ड्यूटी नहीं है, ओके क्योंकि जहां तुम बोले एंट्री हुआ राम टू श्याम, मतलब तुम बोलोगे कैश में मिस्टेक हो गया, नहीं कैश राइट हुआ होगा, नामकरण का एरर है मतलब दूसरा नाम में ही गड़बड़ हुआ, तो बाप रे ठीक है सर यहां पे राम अकाउंट डेबिट होना था हुआ नहीं, अब कर लो। श्याम अकाउंट भी क्रेडिट हो गया गलती से, उसको भी डेबिट करो, तू क्या बचा, सस्पेंस सस्पेंस, ठीक है। चलो एक और करो, कैश विथ टू राम रुपीज 1000 रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट एज रुपीज 100 तो सही होता राम टू कैश 1000 1000 वेरी गुड, रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट तो अब श्याम अकाउंट डेबिट 100 रुपये और कैश ठीक हुआ होगा 1000, ठीक है। ओके तो तो सर राम ये अच्छा उधर लिखा है ओके जितना बोला उतना ही गलती अज्यूम करेंगे, वी हैव टू अज्यूम दैट कैश अकाउंट हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड, ये देखो हम नोट में इसलिए लिखा आप तो भी टू है, कैश सेवन ये नोट हम करते लिखा भी है, ये पीडीएफ आपको अब दे देगा, हैं। ये मेरा बनाया हुआ नोट से, मतलब हम बैठ बैठ के टाइप करके पूरा लिखा है, ताकि आप लोगों को बस मतलब कंसेप्ट भी एक जगह नोट डाउन कर सके। तो राम अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट करो 1000 रुपए से, कैश में गड़बड़ नहीं हुआ है तो कुछ भी मत करो, और श्याम अकाउंट गलती से 100 रुपए से डेबिट हो गया तो टू श्याम करो 100 रुपया, ठीक बात। अच्छा मैथ तो नहीं हो रहा ना तो टू टू सस्पेंस सस्पेंस 900 रुपया नो हो गया मैच, ठीक है। इस चैप्टर में ना दो तीन कोर पॉइंट है, चीजों को सिंपल रखो, जितना गलती बताया उतना ही लिखो, और जो हुआ नहीं है वो कर लो, और जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो, ठीक। सर आप इसका